वेब सीरीज मिर्जापुर 2 में ललित का किरदार निभाने वाले एक्टर ब्रह्मा मिश्रा नहीं रहे। एक्टर देवेंदु शर्मा ने इंस्टाग्राम पर ललित की फोटो शेयर करके दुखद खबर शेयर की है। ललित के रोल में सबका दिल जीतने वाले ब्रह्मा मिश्रा का इतनी कम उम्र में जाना हर किसी को खल रहा है। देवेंदु शर्मा की पोस्ट पर किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 36 साल के ब्रह्मा मिश्रा के शव को उनके वर्सोवा स्थित घर के बाथरूम में डीकम्पोज हालत में पाया गया। वर्सोवा पुलिस के मुताबिक शुरुआती रिपोर्ट इस बात की ओर इशारा कर रही है कि ललित जब बाथरूम में थे तब उन्हें हार्ट अटैक आया और उससे उनकी मौत हो गई। हालांकि अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। एक्टर ब्रह्मा मिश्रा पिछले 4 सालों से अपने किराए के अपार्टमेंट में अकेले रह रहे थे। पुलिस का कहना है कि उन्हें वर्सोवा इलाक्स में सोसाइटी की अजीब बदबू की शिकायत वाला कॉल आया था। जब वह ब्रह्मा के फ्लैट पर पहुंचे तो अंदर से बंद था। इसके बाद पुलिस ने चाबी बनाने वाले को बुलाया और डुप्लीकेट चाबी से फ्लैट का दरवाजा खोला। फ्लैट के अंदर जाने के बाद पुलिस को समझ आया कि बदबू बाथरूम से आ रही है। जब पुलिस बाथरूम में गई तो ब्रह्मा का शव डीकम्पोज्ड हालत में मिला। उनका शव सेमी न्यूड हालत में भी था। बताया जा रहा है कि 29 नवंबर को ब्रह्मा मिश्रा को सीने में दर्द की शिकायत हुई थी। वह डॉक्टर के पास चेकअप कराने गए थे जिसके बाद गैस की दवा लेकर ब्रह्मा को घर पर आराम करने की सलाह दी गई। इसके बाद ब्रह्मा मिश्रा का घर पर मृत पाए गए। 2 दिसंबर को पुलिस को ब्रह्मा मिश्रा की सेमी डीकम्पोज्ड बॉडी उनके मुंबई के वर्सोवा स्थित फ्लैट में मिली। ब्रह्मा के शव का पोस्टमार्टम कूपर अस्पताल में चल रहा है। तो दोस्तों कमेंट्स में RIP ब्रह्मा मिश्रा जरूर लिखें और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। धन्यवाद।